has worked with all the Khans, तो वो probably सोच रही है मैं खान 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 करके थक गई हूँ, तो now unless I get it on my terms, मैं खान्स के साथ क्यों काम करूँ? कटरीना, उनका क्या स्टेटस था जब वो सलमान खान की गर्लफ्रेंड थी? सलमान ने जब उन्हें कंप्लीटली अबैंडन कर दिया था, तो वेदर इट वॉज द मीडिया, वेदर इट वॉज द फिल्म इंडस्ट्री, एवरीबॉडी वॉज लुकिंग एट हर विद अ वेरी डिफरेंट एटीट्यूड. आई थिंक कटरीना ने कहीं पे ये रियलाइज किया होगा, बिकॉज शी डिडंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन पैचिंग अप विद सलमान. जब लड़की बॉलीवुड में सिंगल हो जाती है एंड इफ शी इज डम्प्ड, पीपल बिकम वेरी हार्श एंड इट्स नॉट द सेम विद द गाइज. क्या विद्या बालन और करीना सच में नहीं करना चाहती हैं खान्स के साथ कोई भी फिल्म? क्यों सिर्फ एक्ट्रेसेस को ही देना पड़ता है अपने ब्रेकअप के बाद लोगों को जवाब? पेज 3 इज गोइंग टू रिवील दिस राइट हियर राइट नाउ. बॉलीवुड के खान्स पर अब कुछ एक्ट्रेसेस नहीं देना चाहती हैं ध्यान. यूं तो हर एक्ट्रेस के ड्रीम को स्टार्स थे आमिर, सलमान या शाहरुख खान, लेकिन अब कुछ ए लिस्ट बी टाउन हीरोइंस के कुछ और ही हो गई है डिमांड. सक्सेस के लिए खान्स का साथ ही सब कुछ नहीं है, आजकल इस बात को वो गई है मान. विद्या बालन की पावर पैक परफॉर्मेंसेज ने उन्हें बना दिया है द फ्लेवर ऑफ द मंथ. उनकी टैलेंट और बढ़ती पॉपुलैरिटी को तो अब बॉलीवुड के खान्स भी गए हैं मार. शाहरुख खान ने विद्या के काम की है जमकर तारीफ और एक इंटरव्यू में कहा कि वो विद्या के साथ काम करने की रखते हैं चाहत. वहीं आमिर खान भी हो गए हैं विद्या के काम से इम्प्रेस्ड. उन्होंने भी मिस बालन के साथ काम करने की बात की है एक्सप्रेस. अब दो बड़े खान्स की इस बात से वैसे तो विद्या को होना चाहिए एक्साइटेड, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के इन सुपरस्टार खान्स के ऑपोजिट पेयर होने का सपना लगभग हर एक्ट्रेस का होता है. लेकिन अब आ गया है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि सुनने में आया है कि विद्या बालन शाहरुख या आमिर खान के साथ फिल्म करने से ज्यादा किसी और बात को देना चाहती हैं इम्पोर्टेंस. इट इज सेड कि विद्या को एक अच्छी स्क्रिप्ट में कहीं ज्यादा दिलचस्पी है और ना ही किसी खान की हीरोइन बनने में. परफॉर्मेंस ओरिएंटेड विद्या अपने रोल पर करना चाहती है कॉन्सेंट्रेट एंड शी इज अपेरेंटली नॉट जस्ट कीन टू वर्क विद द खान ब्रिगेड. कभी सलमान, आमिर और शाहरुख के साथ फिल्म करने में इंटरेस्टेड रहने वाली करीना कपूर भी अब चाहती हैं खुद के लिए सब्सटेंशियल रोल्स. रिसेंटली उन्होंने भी एक इंटरव्यू में ये जाहिर किया कि उनके लिए फिल्म की स्क्रिप्ट ही प्रायोरिटी है. फिल्म में उनका क्या रोल है वो इस बात पर ध्यान देना चाहेंगी बिफोर शी साइंस द फिल्म. वैसे एक टाइम था जब करीना ने एक एस्ट्रोलॉजर से ये जानने की कोशिश की थी कि उन्हें आमिर खान के साथ काम करने का मौका कब मिलेगा. But now things have changed for Bebo. शायद करीना इस बात को जान चुकी हैं कि जिस फिल्म में सलमान, आमिर या शाहरुख खान होते हैं उसमें हीरोइन के रोल पर ध्यान होता है कम और सुपर खान ही फिल्म में दिखाते हैं अपना दम. बॉलीवुड में खान एक लंबे टाइम से रूल करते आ रहे हैं. उनकी ज्यादातर फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस दिलाने की गारंटी साथ रखती हैं। ऐसे में अगर किसी एक्ट्रेस को उनके साथ कास्ट किया जाए तो फिर उस एक्ट्रेस के नाम भी एक हिट फिल्म हो जाती है. शायद यही वजह है कि आज भी कुछ एक्ट्रेसेस हैं जो सलमान, शाहरुख और आमिर के साथ फिल्म करने की आस में लगी हैं। दीपिका पादुकोण और नरगिस फखरी तो यही कहती हैं कि उन्हें खान्स की हीरोइन बनने की है ख्वाहिश. वहीं प्रियंका चोपड़ा भी SRK की गुण गाती नजर आती हैं। इनके लिए तो शायद किंग खान, सलमान या आमिर खान के साथ कोई फिल्म मिल जाना किसी लॉटरी से कम नहीं होगी. आखिर बॉलीवुड में इनका मैजिक ही कुछ ऐसा रहा है. लेकिन विद्या बालन और करीना कपूर के लिए अब सक्सेस की चाबी नहीं है कोई खान, बल्कि उन्हें चाहिए ऐसा रोल जिसमें हो जान. पावर पैक सब्सटेंशियल रोल्स करके विद्या बालन ने कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया है कि सक्सेस की सीढ़ी किसी खान से होकर नहीं जाती, बल्कि स्क्रिप्ट हो दमदार तो टैलेंट कर जाता है काम बाकी. टॉप एक्ट्रेस करीना कपूर को भी दिखाना है अपने पोटेंशियल का दम, तो क्या ऐसे में ये मान लिया जाए कि सुपरहिट एक्ट्रेसेस के बीच सुपरहिट खान का क्रेज अब हो गया है कम? क्या एक्ट्रेसेस को मिल गया है अपने टैलेंट से सक्सेसफुल होने का फॉर्मूला, या फिर अब खान की डिमांड सच में हो गई है कम? Let's find out on Party Shorty with Page 3 and Bollywood expert Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Hi, Supreet. तो बॉलीवुड खान्स की पावर क्या कम हो रही है कि गर्ल्स को अब सक्सेसफुल होने का एक नया तरीका मिल गया है? आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट ऑफ बोथ, क्योंकि शायद द गर्ल्स हैव बिकम मोर पावरफुल और दे ट्राइंग टू एस्टैब्लिश मोर पावर एंड मोर स्टार स्टेटस. एंड इट कुड ऑल्सो बी दैट दे आर स्केयर्ड ऑफ द खान पावर, दे डोंट वॉन्ट टू गेट ओवर शैडोड.
But is it also because in some ways वो अपनी ability कहीं ना कहीं छुपा रही हैं? I don't think वो अपनी ability छुपाना चाहती हैं या छुपा रही हैं, उनकी ability छुपाई जाती है. So if you notice there are certain girls who are like say a Katrina Kaif, you know, she knows that she can just be a glam doll, she's very beautiful and that's all there is to her movies, right? A great body, a great sexy item song and you know very little dialogue. So she is very comfortable where she knows that she will get noticed and she'll be the super glam diva in the movie. But at the same time, the acting is all going to be done by the Khans. So she just has to look pretty. So there are certain actresses of that genre who are only looking to, you know, be a nice looking thing in the movie. जहाँ पर शायद ऐसी actresses हैं जो अपने talent को लेकर इतनी confident नहीं हैं, वो सिर्फ अपनी looks को use करना चाहती हैं. So वो जो actresses हैं, they are still dying to do movies with the Khans. और फिर हमारे पास हैं विद्या बालन, करीना कपूर, जो ऑलरेडी अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुकी हैं. एंड आई थिंक करीना हैज़ वर्कड विद ऑल द खान्स. हर बिगेस्ट मूवीज यू नो इन द रीसेंट पास्ट हैव बीन विद द खान्स, वेदर इट्स शाहरुख, वेदर इट्स सलमान, वेदर इट्स आमिर. तो वो प्रॉब्ली सोच रही है मैं खान 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 करके थक गई हूँ, तो नाउ अनलेस आई गेट इट ऑन माई टर्म्स मैं खान्स के साथ क्यों काम करूँ. एंड शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हर टैलेंट, हर एक्टिंग, हर लुक्स, हर स्टार स्टेटस. तो प्रॉब्ली करीना हैज़ कम अप विद अ वेरी वेरी गुड स्ट्रैटेजी कि येस मैं अपने पैसे डिमांड करूँगी एंड मुझे खान से इतना पैसा चाहिए एंड वाई नॉट. आफ्टर ऑल यहाँ पर कितनी देर कोई लास्ट करता है और एक बड़ा शॉर्ट टाइम फ्रेम होता है पैसे कमाने का इन बॉलीवुड. तो देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट. एज फार एज विद्या इज कंसर्न, आई थिंक दिस इज़ हर ईयर एंड वी ऑल नो. एंड अभी उनको शायद चस्का लग गया है टू डू दिस काइंड ऑफ मूवीज वेयर शी इज या in complete charge of the movie. And agar heroes hi bolne lagenge ki you know I'm the heroine in Vidya's movie, so you cannot blame Vidya for it, right? So she knows this is her year, she's given us a great performance and it's got her there. She is going to try and do the same thing. Jaise ki Salman Khan ne jab Dabang ki and it worked, then he's you know getting all the Dabang ingredients in all his movies. And that's what probably Vidya is looking for right now. She wants every movie to have a great performance for her and no scope for anybody else, which is quite fair again, right? Don't you think so? But do you think she's the trendsetter then? Yes, absolutely. Ways. She's calling the shots in how. I don't think any girl in the industry has ever managed to do that. And there are prettier girls than her. There are younger girls than her. There are girls who are willing to do a lot more than that. She didn't need to do all that. It was just a performance that did it for her. And yes, she is the trendsetter. And if it happens, हमारी सब हीरोइंस के लिए अच्छी बात है. Power to women. Yes. ब्रेकअप होने के बाद एक्ट्रेसेस को झेलनी पड़ती है एक्टर्स से ज्यादा मुसीबतें. रिलेशनशिप का एंड होने के पीछे चाहे जिसकी भी गलती हो, लेकिन अक्सर टारगेट गर्ल्स को ही किया जाता है. रिश्ते में प्रॉब्लम की वजह हो या फिर उससे जुड़े सवाल, ब्रेकअप के बाद ज्यादातर एक्ट्रेसेस का ही कर दिया जाता है बुरा हाल. 9 years के स्टेडी लव अफेयर के बाद जब जॉन अब्राहम और बिपाशा बासु ने अलग होने का फैसला किया, इस खबर ने बिपाशा को चैन से जीने नहीं दिया. जॉन को तो मिल गया न्यू लव ऑफ लाइफ इन प्रिया रांचल, लेकिन बिपाशा अगर किसी से हंसकर बात भी कर देती तो उन्हें कहा जाता डेस्परेट. कभी शाहिद तो कभी राणा दग्गुपति के साथ क्लोज होने और अपने ब्रेकअप का अफसोस न होने के इल्जाम भी उन पर लगने लगे. बिप्स भी शायद ऐसी बातों से थी अपसेट और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये जाहिर करने की कोशिश की कि ब्रेकअप के बाद लोग आपको दुखी देखने की उम्मीद करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और बिपाशा के इस एटीट्यूड ने उन्हें लोगों की नजरों में बुरा बना दिया. कैटरीना कैफ और सलमान खान के रिलेशनशिप को लेकर हमेशा ही लोगों ने किए सवाल, लेकिन जब खबर ये आई कि कैटरीना और सलमान का ब्रेकअप हो गया है तो कैट के लिए हो गया ये बड़ा बवाल. सलमान तो अपने लव लाइफ से जुड़े क्वेश्चंस को नहीं करते हैं एंटरटेन, और कैटरीना ने भी इस मामले में अपने साइलेंस को किया मेंटेन. न्यूज ये भी आई कि कैटरीना एक बार फिर रणबीर कपूर को डेट कर रही है, लेकिन फिर भी कैटरीना और सलमान के ब्रेकअप का रीजन क्या है, इस सवाल ने कैटरीना का पीछा नहीं छोड़ा. क्वेश्चंस और स्पेकुलेशंस होने लगे कुछ इतने कि कैट हो गई इनसे परेशान. एक बार तो वो ऐसे सवालों पर नाराज हो गई, और अब तो न्यूज ये है कि कैटरीना कैफ ने सलमान से अपनी क्लोजनेस फिर से बढ़ा ली है. शायद वो खुद पर उठे सवालों से काफी तंग आ गई है. रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के रिलेशनशिप का जब हो गया दी एंड, तो दीपिका के मूव्स पर बनने लगे गॉसिप स्टोरीज. रणबीर के बाद अपेरेंटली सिद्धार्थ माल्या से क्लोज हुई दीपिका पर रहने लगी मीडिया की नजर. लगभग उसी टाइम सिद्धार्थ माल्या की कंपनी को जब लॉस हुआ,
तब दीपिका पर जोक्स भी किए जाने लगे, यानी बार बार दीपिका पर थी टिकी रही सबकी नजर। लेकिन रणबीर कपूर पर शायद ही ऐसा किसी ने कमेंट किया और ना ही तो उनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। शाहिद कपूर के साथ रिलेशनशिप ओवर होने के बाद प्रियंका चोपड़ा भी लोगों के अटैक से बच नहीं पाई। जब प्रियंका ने शाहरुख से अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाई, तब हर तरफ प्रियंका और एसआरके की ही न्यूज छाई। रिपोर्ट्स आई जिसमें कहा गया कि प्रियंका शाहिद से रिश्ता खत्म होने के बाद शाहरुख खान से अपनी क्लोजनेस बढ़ा रही है। वहीं शाहिद भी बिपाशा से फ्रेंडशिप करते नजर आए जरूर, लेकिन इस बात को लेकर शाहिद के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं कहा गया। मगर प्रियंका ब्रेकअप के बाद क्या कर रही है, किससे मिल रही है, उनकी इन बातों पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दिया गया। ऑलमोस्ट हर केस में एक बात तो साफ है कि पोस्ट ब्रेकअप गर्ल्स पर ही उठे हैं ज्यादा सवाल। जहां एक्टर्स हो जाते हैं अपनी लाइफ में बिजी, वहीं एक्ट्रेसेस को फेस करना पड़ता है क्रिटिसिज्म और बनाया जाता है उनका मजाक। सिमी, डोंट यू थिंक इट्स अ बिट अनफेयर कि बॉलीवुड में जब भी ब्रेकअप होता है सारा मीडिया टेंशन इज ऑन द हीरोइंस एंड द You know, the heroes are just caught free. They're doing their own thing. Yes, and मुझे बहुत बुरा लगता है when I see this happening to the girls in Bollywood. It's a very, very ruthless place because अगर हम कटरीना को देखते हैं यहाँ पर या even बिपाशा बासु, प्रियंका चोपड़ा, as it is एक public breakup होना जहाँ पे पूरी दुनिया आपको देख रही है, you're under the scanner, your fans, your friends, your family, the media, strangers, I mean the whole country, the whole world, आपको हर मिनट आपके behavior को देख रहे हैं, everything is being written about. It's anyway very difficult to go through heartbreak and then public heartbreak is very humiliating sometimes and mujhe ye bahut buri lagti hai baat like even Bipasha when her breakup happened with John you know there was like a complete bashing you know agar wo kuch tweet kar rahi hain to galat kar rahi hain agar wo koi photo dal rahi hain apni niece ki to wahan pe sab unhe attack kar rahe hain agar wo Rana ke sath hain to wahan pe koi dusri girlfriend aa rahi hai If she's with Shahid Kapoor, he has decided to just, you know, play around with her. I think Bipasha has been very graceful about it, no doubt. So has John. They have not discussed anything about their relationship really in a big way. But I used to really feel bad for Bipasha, and you know, my producers are witness to this. वो जब भी कोई Bipasha के बारे कोई गलत या negative news लाते थे, मैं कहती थी मत लिखो. She's anyway going through a hard time. We don't need to mess around with her even more. तो बिचारे मरों को क्या मारना? इट्स द सेम थिंग विद कटरीना। उनका क्या स्टेटस था जब वो सलमान खान की गर्लफ्रेंड थी? हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर उन्हें इतना रिस्पेक्ट करता था, उनसे डरता था। द मोमेंट इट केम अक्रॉस लाइक शी इज नो लॉन्गर सलमान्स गर्ल एंड शी इज समवेयर विद रणबीर एंड समवेयर विद सलमान, एंड सलमान ने जब भी उन्हें कंप्लीटली अबैंडन कर दिया था, तो वेदर इट वॉज द मीडिया, वेदर इट वॉज द फिल्म इंडस्ट्री, एवरीबॉडी वॉज लुकिंग एट हर विद अ वेरी डिफरेंट एटीट्यूड। एंड आई थिंक कटरीना ने कहीं पर यह रियलाइज किया होगा बिकॉज शी डिडंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन पैचिंग अप विद सलमान। उन्होंने कभी अपनी रिलेशनशिप के बारे तो कहा नहीं था, लेकिन अपना ब्रेकअप और अपना पैचअप काफ़ी ओपनली शो किया उन्होंने। तो इसका मतलब यही है कि कटरीना रियलाइज द पावर ऑफ बींग विद अ पावरफुल बॉयफ्रेंड। एंड एज फार एज प्रियंका चोपड़ा इज कंसर्न्ड, लेट्स फेस इट, शाहिद हैड एज मेनी फ्लिंग्स एज प्रियंका, बट वाई जस्ट सिंगल हर आउट एंड कीप मेकिंग फन ऑफ हर? And it's little hard. Yes, definitely there is a little bit of a sexist approach yahan par. Jab ladki Bollywood mein single ho jati hai and if she's dumped, people become very harsh. And it's not the same with the guys. You know, agar Salman single hai ya shayad Shahid single hai, to there is nothing wrong with that. Or Ranbir, nobody judges them. But even it was Deepika when she broke up with Ranbir, or the latest breakup that she's just gone through. It's completely not her fault, but I'm sure she must have felt extremely vulnerable, extremely gullible, because I don't know why, lekin ek attitude change aa hi jata hai. And probably, you know, hum kai baar sochte hain that why are people like Anushka Sharma and other girls so secretive about their love lives? I think it pays to be secretive, because ye jo ladkiyan hain jinhone openly apne relationships dikhaye hain, they had to pay a very heavy price. If you look at the women who got attacked और जिन्हें टारगेट किया गया है, दीज आर द गर्ल्स हु बीन वेरी ओपन एंड ऑनेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप इन द प्रेस एंड एवरीवेयर, एंड दे आर द वंस हु गॉट अटैक्ड। सो आई थिंक समटाइम्स इट हेल्प्स टू बी स्नीकी एंड अ लिटिल स्लाइमी। वेल सिमी, वेल सेड, आई डेफिनेटली फील फॉर दीज वुमेन एंड इट्स नॉट इजी बीइंग अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड फॉर श्योर। फैंस का अपने फेवरेट स्टार्स को इंप्रेस करना है कॉमन सी बात, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक वी विल टेल यू अबाउट सर्टेन स्टार्स हु वेंट आउट ऑफ देयर वे टू इंप्रेस देयर फैंस, सो स्टे ट्यून्ड।
Sumi, time to party now. And where have you been this week? I went for a polo event, so obviously it was a day event. It was really nice. And my friend Joanne Nair and this gentleman, Neil Sain, they decided to host a really nice cocktail party. And polo is always great, don't you think so? Well, it does sound like one classy affair. Let's have a look. Sure. Very arty as well this week, weren't you? Yes, of course. It's not always about dancing and music and lots of fashion, right? So I went to this art event. Reena Patel had showcased her artwork. Very talented, very nice, and I could see that people were enjoying the paintings as well as the whole ambiance. The evening was pretty nice. Let's check it out then. Parties mein gayi hum. Well, Abhi, you spoke about art, so we'll also talk about an event that had a lot of heart. Okay. So, Asif Bamla, as you know, he's a very popular politician and social worker from our city. And unke wahan to Bollywood waise kafi aata hai, kabhi Deepika Padukone to kabhi koi aur, and Salman Khan, and everybody supports him in his social causes. So here he was celebrating his NGO's anniversary, and I think sometimes we need to put up good causes too. On that note, let's have a look. Sumi, thank you so much for being on the show. We shall chat some more next week. Looking forward. Well, so much going up. There's only one destination for the ultimate glam and the best gossip from B-Town and everywhere else. Maza se karte hain hum parties, and right now, Page 3 has to say bye-bye, but scandals or controversies ke liye, keep watching Page 3 only on Zoom, because it is India's number one Bollywood channel.